सो गाइस वेलकम बैक करते हैं अपने नए ब्लॉग में। अपना ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है कुछ इस प्रकार से, अपना ट्रेन अपना नहीं है, भारतीय रेलवे का, और हम लोग का खाना बन रहा है पूरा टीम के साथ, और इसी प्रकार से कुछ नहीं क्या, जहाँ आप लोग बैठना पसंद नहीं करते वहाँ हम लोग खाना बनाते। सो फाइनली आज हम अभी बैठे हुए अपने गाड़ी में, और गाड़ी में एक फॉल्ट आ गया है, वो फॉल्ट आ गया जो हम दिखा रहे हैं आपको अभी नीचा उतर के, और आवाज में थोड़ा घर घराहट टाइप का होगा क्योंकि इंजन चालू है ट्रेन, और मतलब पटरी के बिल्कुल बगल में अपना गाड़ी लगी हुई है, और इधर माल का ये हो रहा है, देख रहा बहुत बड़ा खलास एडजस्ट की है, और अभी रात में मतलब एक ढूंकी है और घींच के साथ ले जाए, और अपना गाड़ी हिलाओ हिलाओ थोड़ा ना जाओ तो, और ये रात को हिल रहा है थोड़ा, अब ज्यादा मत हिलाओ नहीं तो टूट जाएगा, तोड़ने का पूरा जिम्मेवारी दे दो तुम्हें। मिस्त्री तो अभी तक नहीं आया है, पर लोडिंग का ऑर्डर आ गया है, जाते हैं किसी तरह से लोड करेंगे, उसके बाद मिस्त्री आएगा तो देखा जाएगा, टायर का गोली चेंज करवाना है। और जिस आंगन का नंबर मिला है वो आंगन मतलब अभी बहुत दूर है, और पहुंचने में ही नहीं पहुंच पाएंगे, हो सकता है, देखते हैं। बिल्कुल जाम लगा हुआ है बहुत पहले, अभी यहाँ से कम 500 मीटर से भी ज्यादा जाना है एक नंबर लाइन में, अभी हम इस यह दो नंबर लाइन में खड़े, और देखिए कब तक मतलब मिलता है छुटकारा इस सब लाइन से। इस कड़ी मशक्कत के बाद पहुंचे, और इस मुंह में लोड होगा अपना लगाए हैं, और थोड़ा और हो सकता है तो ठीक ही है, बीच में लगा हुआ, और इधर लगा हुआ है एक ही कंपनी का गाड़ी 8 नंबर में, और मेरा 7 नंबर में लगा है, और लेबर आएगा तब खुलेगा, और सामने कंटेनर लगी हुई है कंकड़ का, चीनी लेकर आया हुआ था। सो फाइनली गाइस रात का 11 बज चुका है, और हम लोड करके निकल गए हैं, और अपना जो भी मतलब काम था बनवाने वाला, टायर का जो गोली ढीला था, गोली ढीला नहीं था उसका नट ढीला था, तो मिस्त्री आया, और वो मेन जो होता है स्टीयरिंग बॉक्स का जो मेन डंटा लगा होता है उसका नट नीचा का ढीला था, तो मिस्त्री जी आए, और कैसे थोड़ा देर का काम था, और वीडियो वीडियो नहीं दिखा पाए इसके लिए सॉरी। और यहाँ तो देख रहे हैं लाल बत्ती है सिग्नल, तब पर ही वीडियो कर रहे हैं, और अपना लोड हुआ है बज का, और बिल्कुल चल रहे हैं आराम आराम से। गुड मॉर्निंग, आज हम पहुंच चुके हैं कंपनी में, और कंपनी में रात के 10 बजे ही, सॉरी 10 बजे बोल रहे हैं, रात के 2 बजे ही पहुंचे, और पहुंचने के बाद मेरा मोबाइल डिस्चार्ज हो गया था तो कुछ दिखा नहीं पाए, इसे मतलब गाड़ी लगा हुआ के सो गए थे, क्योंकि मोबाइल चार्ज होने में भी टाइम लगता है, सोचे दिन में उठ के शूट कर लेंगे और दिखा देंगे हम कहाँ हम अभी है बज में, और यहाँ का एक वीडियो मेरा और गया होगा पहले का, और यहाँ से अपने प्यारे से ब्लॉग कर रहे हैं, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, थैंक यू।